बॉलीवुड के पांच ऐसे सॉन्ग जो कि आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर तो बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहेंगे। तो पहले हम उन पांचों गानों को सुनते हैं, उसके बाद में हम बात करेंगे। तेरी ले लूं बाहें, बाह में तेरी ले लूं। खड़ा है खड़ा है खड़ा है तंबू में बंबू लगाए बैठे, हमको तंबू में बंबू लगाए बैठे। इन गानों को सुनने के बाद तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्यों हम इन गानों को अपने फैमिली के साथ में नहीं सुन सकते। लेकिन एक चीज आप सुन सकते हो और देख सकते हो, वो है हमारा चैनल फिल्मी इंपैक्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपको पता है बॉलीवुड की सबसे पहली मूवी कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में रिलीज हुई थी, जिसको डायरेक्ट किया था दादा साहेब फाल्के ने। यह इंडिया की सबसे पहली साइलेंट और ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी। इस मूवी के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ। चूंकि उस टाइम पर अभिनेत्रियों का मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, इसलिए अन्ना सालुनके ने अपनी दाढ़ी मूंछों को हटाकर अभिनेत्री का रोल प्ले किया। हमारे सब्सक्राइब बटन को दबाकर आपको इस तरह की जानकारी हर रोज मिलती रहेगी, तो दबा दीजिए। क्या आप जानते हैं बॉलीवुड का सबसे पहला सॉन्ग कौन सा था? नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। 1931 में आई मूवी आलम आरा में सबसे पहला रिकॉर्डेड सॉन्ग जो था वो था गौहर जान। इस गाने को सारेगामा लेवल पर रिकॉर्ड किया गया था। सारेगामा इंडिया का सबसे पुराना म्यूजिक लेबल है, विच इज ओन्ड बाय आरपी संजीव गोयनका ग्रुप। अगर आपने ये गाना नहीं सुना है, यूट्यूब पर जाइए और सर्च करिए गौहर जान और सुनिए इस गाने को, बॉलीवुड का पहला गाना, और साथ में रेड बटन को दबाना ना भूलें।